जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ शौक भी करवाऊंगा, और आज मैं आपको शौक करवा रहा हूं कुंडलों वाले मुश्कों में से। जो बड़ा हमारा ब्रीडर है, इसके पट्ठे की मैंने वीडियो लगाई थी लास्ट, तो ये उस मुर्गे का बाप है जो मैंने उस चैनल पर बड़े किंग लसानी की मादी के साथ मुर्ग जो लगाया हुआ है, तो वो इस मुर्गे का पट्ठा है। और जो पट्टी थी लंबे चेहरे वाली, हाथ में पकड़ के जिसका शौक करवाया था, वो भी इसी नर की पट्टी है। ठीक है, तो ये बड़ा ब्रीडर है। ये मादी लगी हुई है किल्ली ताजी मारी इसके साथ जनाब। एक अंडा इस मादी ने माशाल्लाह उतार दिया, झोला आप देखें मादी की भरी हुई है और जोड़ खा रही है, खुले फिरते हैं। सबसे पहला जोड़ा हम सुबह फार्म पर यही खोलते हैं, सबसे पहले इन्हीं को ही टाइम देते हैं। तो फिर मुझे सब ब्रीडर्स को टाइम देना होता है एट द सेम टाइम। एक वक्त में हमारे पांच ब्रीडर पेयर्स या बीच में जो सेट भी होते हैं, एक नर के साथ दो मादियां, तीन मादियां, और बाज़ मादियों के अंदर ये होता है कि एक खुडे के अंदर इकट्ठी नहीं रहती, बाहर खुली फिर लेती हैं नर के साथ। वो खुली जगह होती है तो एक दूसरे को मारने वाला सीन नहीं होता, और नर का मादियों पर ध्यान होता है तो सारी मादियाँ नर क्रॉस भी कर लेता है। लेकिन एक केज में डालें, खुडे में डालें, तो आपको पता है खुडे छोटे साइज़ के हैं। खुडे का साइज़ 4 बाय 4.5 फुट है, तो इसके अंदर अगर दो या तीन मादियाँ हों जिनकी आपस में ना लगती हो, बहनें बन के ना रहती हों, वो फिर एक दूसरे का सर भी फाड़ती हैं। इंशाल्लाह मज़ीद ये चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, शौक चलता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा।